आप सब लोगों ने आज तक यही सुना होगा कि अगर बाइसेप को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते हो तो ये वर्कआउट करो, अगर टांगों को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो ये दंड लगाओ, भुजाओं को मजबूत करने के लिए डंबल के साथ वर्कआउट करो। लेकिन क्या आप जानते हो हमारे देश में कुछ ऐसे आसन हैं जिसे करने से आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर सबसे पहले तो एक नई शक्ति आपके शरीर में महसूस होगी, उसके बाद अगर आप अनुशासन के साथ इन सब आसनों को करते हो तो 2 से 3 महीने के अंदर आपके शरीर की बनावट बदल जाएगी, मतलब आपका शरीर शरीर नहीं पत्थर बन जाएगा। सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए ये चीज सोचकर देखो कि जब पुराने समय में कोई इक्विपमेंट नहीं होता था शरीर को ट्रेन करने के लिए, तो क्या उस समय किसी का शरीर शक्तिशाली नहीं होता था? कितना शक्तिशाली उस समय शरीर होता था ये भी आपको भली भांति पता है, ये तो बताने की जरूरत आपको है नहीं। योगासन करने का सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि योगासन सिर्फ खुले में किया जाता है, जहां पर अच्छी हवा हो, शुद्ध हवा हो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो, क्योंकि शरीर की शक्ति बढ़ाना कहीं ना कहीं फेफड़ों के मजबूत होने से भी होता है। फेफड़े आपके तभी मजबूत होंगे जब आप सुबह जल्दी उठकर खेतों में या फिर कहीं पर भी जहां खुली हवा हो वहां पर आसन करोगे। प्राणायाम, जब कोई एक्सरसाइज आप करते हो, कोई वर्कआउट करते हो तो थकते क्यों हो? चलो थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। मान लो आप किसी के साथ कुश्ती करने लग जाते हो, आप तब थकोगे जब आपको सांस चढ़ जाएगी, आपकी सांस टूट जाएगी। अगर आपका स्टैमिना और सांस बना हुआ है, ठीक है, तो आपके अंदर अधिक स्ट्रेंथ होगी, अधिक शक्ति होगी। इससे होगा ये कि आप वर्कआउट करने के लिए जितने मर्जी आप हार्ड वर्कआउट कर लो बहुत कम थकोगे। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम की, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त के समय करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम हमारी पिंगला नाड़ी से संबंधित होता है, और नई जानकारी जो मुझे पता चली वो ये कि सूर्यभेदी प्राणायाम करने से जठर अग्नि अधिक स्त्रावित होती है, यानी कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती और खाया पिया नहीं लगता, पाचन की दिक्कत है, तो भाई ये प्राणायाम करना आज से ही शुरू कर दो। अब बात आती है कि ये प्राणायाम कैसे करें। सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है आलती पालती मारकर, उसके बाद आपको एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से धीरे धीरे सांस भरना है, और सांस भरने के बाद आपको जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक शरीर में सांस को रोक कर रखना है। ऐसे ही फिर आपको दोबारा दूसरी नाक से करना है, इसके लिए आप स्टॉपवॉच का यूज भी कर सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज तो आ ही रही होगी ना कि ये शक्ति कैसे बढ़ाता है, बॉडी की ताकत कैसे बढ़ाता है, जरा हमें भी समझाओ। तो देखो, हमारे शरीर की आधी ताकत काम वासना की वजह से खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप हर रोज ये प्राणायाम करोगे तो आपको कुछ भी गलत करने का मन नहीं करेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर ताकत इकट्ठी होती रहेगी और ऊपर जाती रहेगी और गलत जगह नहीं निकलेगी। ये है पूरा फैक्ट। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है, तो शायद कुछ लोग बोले कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, और कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छी खुराक लेना जरूरी है, लेकिन मेरा जवाब होगा कि पाचन तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। क्योंकि अगर मशीन ठीक हो गई, सब पचेगा, अच्छी भूख लगेगी, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा तगड़ी बॉडी बना पाओगे और शक्ति भी बढ़ा पाओगे। अब जो आसन मैं आपको बताऊंगा वो आपके पाचन तंत्र की जो शक्ति है उसको बढ़ाएगा। उष्ट्रासन, सबसे पहले अपने घुटनों के सहारे बैठ जाए, उसके बाद धीरे से अपने हाथों को पीछे लेकर जाना है और पैरों के साथ पकड़ लेना है और होल्ड करके रखना है जितनी आपकी क्षमता है। ऐसे ही आपको वज्रासन करना है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद आपको अपने घुटनों को मोड़कर 5 से 10 मिनट तक बैठना है, खासकर रात को। मालासन, अपने पैरों को फैलाओ और आपको धीरे से नीचे जाना है, उसके बाद आपको नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है, होल्ड करके रखना है। आपकी टांगों पर प्रेशर आता रहेगा लेकिन आपको होल्ड करके रखना है। ये आसन आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में आपको बहुत पता है, और ये आपके टांगों की जो आपकी लेग मसल्स है उसको ग्रो करेगा। ये आसन आप तब कर सकते हो जब आपकी लेग वर्कआउट करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप इसको हफ्ते में 3 बार करें। इस आसन को आपको कम से कम 4 से 5 सेट इसके लगाने हैं। चक्रासन, अपनी बॉडी को मोड़कर चक्र की तरह बना लेना, ये होता है चक्रासन। आपको पता है कि लचक क्या होती है? देखो, जब हमारे शरीर की लचक अधिक होगी तो हमारा शरीर कार्य करने की क्षमता बढ़ा लेता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो जल्दी थकते नहीं है, और चक्रासन एक ऐसा आसन है जिसको करने से हमारी बॉडी की लचक बढ़ती है और हमारी कार्य करने की क्षमता तेज होती है। मतलब कोई भी काम, छोटा मोटा काम किसी भी तरह का, जिसमें आप तेजी से कर सकोगे, थकोगे नहीं। सूर्य नमस्कार आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, पेट कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, चिंता दूर रहेगी, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। मतलब इतने सारे फायदे। किया कैसे जाता है? अपने हाथों को पीछे ले जाकर नीचे घुटनों पर सिर लगाने के बाद आपको एक दंड लगाना है और ऊपर जाना है। जब आप करोगे तब आपके समझ में आ जाएगा, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो वैसे ही है सेम। जो बंदा मोटा है, फालतू की चर्बी जिसके शरीर पर है, मैं बोलता हूँ भाई हर रोज सिर्फ 1 घंटा, माफ करना अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो, सिर्फ 1 घंटा सूर्य नमस्कार को दो, 1 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा भाई।
और वो लोग जो दुबले पतले हैं वो मत डरना, ये आपके शरीर में पावर बढ़ाएगा, ये आपको पतला नहीं करेगा, बॉडी में कटिंग लेकर आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पतले हो जाएंगे करने से, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। भुजंग आसन, जिन लोगों को छाती शेप में नहीं है, जिन लोगों की छाती शेप में लानी है, चेस्ट जो है अगर उसको शेप में लेकर आना है तो सबसे बेस्ट है ये। बस आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, बस आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है। शायद दिखने में थोड़ा आसान लग रहा हो लेकिन जब 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही रहोगे तब आपके सब समझ आ जाएगा। अब जो पावरफुल योग मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका दिल मजबूत होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। सबसे पहले आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है आलती पालती मारकर, उसके बाद आपको करना है ओम का उच्चारण। जी हाँ, आपको ओम का उच्चारण करना है बिल्कुल आराम से। शुरुआत में हो सकता है कि आपके मन में इधर उधर के ख्याल आए, हो सकता है क्योंकि आपका मन नियंत्रित नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपने मन पर नियंत्रण कर पाओगे धीरे धीरे, तो होगा क्या, आपका दिल मजबूत होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। ये अगर मैं कहूँ तो सबसे पावरफुल योगा यही है, ठीक है। जिसे ध्यान करना बोलते हैं वही है, आपको सिर्फ ओम का उच्चारण करना है। क्या आप जानते हो, अगर आपकी नींद गहरी नहीं है, आपको अच्छी नींद नहीं आती, तो आपके साथ ये हो सकता है कि दिन में आपको थकान होगी, कमजोरी फील होगी। अगर आपको भी ये होता है, दिन में आपको थकान रहती है थोड़ी थोड़ी, तो शायद ये हो सकता है कि आपकी नींद गहरी ना हो। तो भाई जो मैं मेडिटेशन में आपको बताने वाला हूँ ये आपको रात को सोने से पहले करना है। इसको करने से आपकी जो नींद है वो गहरी होनी शुरू हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। आपको सोने से पहले जब आपको लगे कि हाँ मुझे नींद आ चुकी है, मुझे सोना चाहिए, तो आपको करना ये है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान देना है, उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद आपको सो जाना है, ठीक है। ध्यान रहे 10 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के बाद फिर दूसरे आलतू फालतू के विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। और फ़ोन को बिल्कुल दूर रख के सोना है, रेडिएशन बिल्कुल भी, अगर आपको फ़ोन आप फ़ोन अपने पास रखकर सोते हो तो रेडिएशन होगी और आपकी नींद अच्छी नहीं हो पाएगी। ये जितने भी योगासन मैंने आपको बताए हैं, इनको करने के लिए दिन में आप कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनको हर रोज करने से 1 से 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी और फिटनेस बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल अलग लेवल पर चली जाएगी। और रही बात समय की, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप इनको ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, उस समय ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पहला रूल भी मत भूल जाना भाई, जो कि मैंने आपको बताया था कि योगा जब भी करो, ये आसन जब भी करो, तो खुली हवा में करना, तभी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि खुली हवा में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आसन करते हैं, तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और जिसकी वजह से हमारा स्टैमिना भी जल्दी इंक्रीज होता है। तो खुली हवा में करें और सुबह करें, ये दो चीज़ें, ये जो दो रूल है ना, यही है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसी ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है और इसीलिए सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।